हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो कंटिन्यू होने वाला है ऑल ऑफ अस डेट सीरीज़ का। और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड 4 और 5। अगर आपने पहला 3 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा और आई बटन पे यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो आपको ये एपिसोड समझ में नहीं आएगा। अगर सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं एक व्लॉगर को जो कि यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर रहा है और बोल रहा है कि वो वहाँ पे जो ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ है वहाँ पे जाएगा और लोग यहाँ पे सुपर चैट भी उसे कर रहे हैं। कौन है ये लोग? और यहाँ पे हम देखते हैं वो बंदा पूरा हेलमेट वगैरह लगा के और पास में उसका एक स्टिक है जिसपे वो ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करेगा। तैयारी के साथ पूरा आया है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ी देर बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके ऊपर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं चियोंग सान की माँ किसी तरह से स्कूल तक आ पहुंची है और यहाँ पे वो देखती है अपने बेटे चियोंग सान के बेस्ट फ्रेंड गैंगसू को। और यहाँ पे हमें पता है कि गैंगसू ज़ॉम्बी बन चुका है, सो वो गैंगसू को आवाज देती है। यहाँ पे गैंगसू और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक साथ चियोंग सान की माँ के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसे काट लेते हैं और यहाँ पे थोड़ी देर बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। इस तरफ चियांगसान और अंजू ये लोग बात कर रहे हैं कि चियांगसान यहाँ पे सोच रहा है कि अब उसकी मम्मी ठीक होगी और वो उसके जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे होगी सेफ एंड साउंड, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। और यहाँ पे इन लोगों का एक डिस्कशन चल रहा था कि ना उनके बारे में डिस्कशन चल रहा था और उसको वो इंग्लिश टीचर मिस पार्क क्यों बचाने गई। और तो और ये लोग सोचते हैं कि उन लोगों का चीख उन्हें सुनाई नहीं दिया, मतलब ज़ॉम्बी अगर काटते तो वो लोग जरूर चीखते। तो ये लोग सोचते हैं कि नायोन और मिस पार्क ये लोग जरूर से बच गए हैं और कहीं पे छिप गए हैं। और बातों बातों में ये लोग डिस्कशन करते हैं कि ये लोग बाथरूम कैसे जाएंगे क्योंकि बहुत देर से रुक के रखे हैं। सो पास ही में जहाँ पे गैंगसू को बिठाया गया था वो उस रूम को ये लोग एज ए बाथरूम यूज करते हैं, वहाँ पे एक टेम्प्रेरी बाथरूम ये लोग बनाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अंजू के पिता जो कि एक वो पॉलिटिशियन ग्रुप को बचाने गए थे और उनका आर्मी के साथ बातचीत हो गया है और आर्मी वाले बोले हैं कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग 11 तक हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा और कैसे भी करके उनको रूफ तक जाना पड़ेगा। और यहाँ पे अंजू के पिता जल्द से जल्द स्कूल तक पहुंचना चाहते हैं ताकि वो अपने बेटी को वहां से निकाल सके, लेकिन वो पॉलिटिशियन यहाँ पे उनको समझाती है कि हमें जल्द से जल्द इधर से निकाले, उसके बाद ये उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब इस इंसिप्टो के हम देखते हैं स्कूल पे, वो जो 3 बुली लड़के थे उनमें से एक और बुली बच गया है और अभी तक वो सर्वाइव कर रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो सर्वाइव करने के लिए भी अपने किसी दोस्त को ही बेट बनाता है, मतलब अगर ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर रहे हैं तो वो अपने दोस्त को वहाँ पे पुश कर देता है और खुद यहाँ पे जान बचा के भागता है वहाँ से। और ऐसे करते करते वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार के किसी तरह बचते बचाते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुँचता है और वहाँ पे लॉक कर देता है खुद को। और वहाँ पे भी कुछ ज़ॉम्बीज थे, उनको वो चाकू से हमला करके उसको मारता है। और यहाँ पे हम देखते हैं खुद प्रिंसिपल बेंच के नीचे छुपे हैं। अभी सीन शिफ्ट के स्कूल पे हम देखते हैं जो बुआ नारो वाली एथलीट थी उसके साथ और 3 लोग हैं और यहाँ पे ये लोग एक बाथरूम में बंद है और किसी तरह से वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। अभी सीन यहाँ पे कट होता है और हम देखते हैं डिटेक्टिव और मिस्टर ली को और उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है मिस्टर ली की बेटे की बैक स्टोरी जो कि हमें एपिसोड 2 में थोड़ा बहुत देखने मिला था। तो यहाँ पे हम देखते हैं वही जो 3 और 4 लड़के थे वो लोग बहुत ज्यादा बुली करते थे उसके बेटे जित्सू को। सो स्कूल में यहाँ पे पुलिस बुलाया जाता है, लेकिन उन 4 लड़कों के खिलाफ स्कूल में कोई भी गवाही नहीं देता, जो कि देख के मतलब हर कोई जानता है लेकिन कोई भी गवाही नहीं देता। तो ये देख के मिस्टर ली को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और यहाँ पे वो पुलिस के पास फिर से जाते हैं, लेकिन पुलिस यहाँ पे उसको बताते हैं कि ये तो चलता ही रहता है बच्चों के बीच, मतलब इसे कैजुअली उसको बताते हैं। तो मिस्टर ली यहाँ पे अपना बेटे का स्कूल भी चेंज करवाए थे, लेकिन वो 3 हरामी बुली अभी तक नहीं सुधरे और वो स्कूल चेंज करवाने के बावजूद भी उसके बेटे को बुली करते थे। और यहाँ पे एक दिन जित्सू मिस्टर ली को बोलता है कि मैं यहाँ पे मर जाना चाहता हूँ, ये कहकर वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। तो एपिसोड 2 में जैसा कि हमको दिखाया गया था अपने बेटे को स्ट्रांग करवाने के लिए वो रैट वाला वायरस ये अपने बेटे के शरीर में इंजेक्ट करते हैं, लेकिन वो उसके बेटे के ऊपर काम नहीं करता बल्कि उसको ज़ॉम्बी बना देता है। और यहाँ पे वो पुलिस स्टेशन में भी ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू हो चुका है। तभी वो डिटेक्टिव किसी तरह से पहले मिस्टर ली को ज़ॉम्बी से बचाता है, फिर फाइनली मिस्टर ली डिटेक्टिव को बोलते हैं कि इस वायरस का एंटीडोट का फॉर्मूला उनके लैपटॉप में है जो कि स्कूल में है, तो जल्द से जल्द उन लोगों को स्कूल पे जाना पड़ेगा। ये कह के वो खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनको काट लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो खुद ज़ॉम्बी बनते हैं, मतलब मिस्टर ली जब ज़ॉम्बी बनते हैं, तब वो काइंड ऑफ स्माइल कर रहे थे लाइक ज़ॉम्बी कुछ सोच नहीं पाते, लेकिन उनको देख के ऐसा लग रहा था कि ये वायरस उनका जो DNA है उसका ऊपर पूरा मैच हो गया है और वो सोच भी पा रहे हैं, ज़ॉम्बी बनने के बाद भी वो सोच पा रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ कन्फर्म नहीं है, हमें आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा, मैं यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ।
ये थ्योरी गलत भी हो सकती है, हो सकती है क्योंकि मैंने पूरा सीरीज देखा नहीं है अभी तक। और यहाँ पे हम देखते हैं वो डिटेक्टिव और एक सिक्योरिटी गार्ड, ये दोनों ज़ॉम्बी से किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं और ये लोग फैसला करते हैं कि नेक्स्ट डे ये वही हाई स्कूल जाएंगे और वहाँ पे लैपटॉप में जो फॉर्मूला है वो लेके आएंगे। यहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड जाने से डर रहा था लेकिन उसके पास कोई और चारा ही नहीं है क्योंकि बाकी सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, ये दोनों ही बाकी है, सो उसको डिटेक्टिव के साथ रहना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट डे यहाँ पे हम देखते हैं सुबह हो चुकी है लेकिन यहाँ पे फिर भी कुछ नहीं बदला और इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कोई भी नहीं आया है। अब इस इंसिप्ट के हम देखते हैं वही जो बुआ डायर वाली लड़की है वो बोलते है कि इधर से जाने से पहले, निकलने से पहले वो अपने छोटे भाई को इधर से निकालेगी और इस पॉइंट पे हम नहीं जानते कि उसका छोटा भाई कौन है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो नामरा ये लोग सब डिस्कशन कर रहे थे कि अगर जल्द से जल्द इधर से वो लोग नहीं निकले क्योंकि ये लोग खाना नहीं खाए एक दिन हो गया है, तो जल्द से जल्द इधर से अगर कोई नहीं निकला तो ये लोग डिहाइड्रेट हो जाएंगे धीरे धीरे करके, लेकिन अगर ये लोग बाहर गए तो ज़ॉम्बीज़ उन्हें खा जाएंगे। तो इन लोगों को ऐसा कुछ जुगाड़ लगाना होगा जैसे कि बाहर ना जाए फिर भी बाहर क्या चल रहा है सब कुछ देख सके और उसके अकॉर्डिंग ये लोग इधर से निकल सके। तो ये लोग फाइनल डिसाइड करते हैं दो लोग स्टाफ रूम में जाएंगे और वहां से फोन लेके आएंगे, इसलिए चियोंग सान और बियरसू ये लोग जाते हैं। हालांकि अनजो यहाँ पे मना करती है उन दोनों को लेकिन चियांगसू उसका बात नहीं सुनता और जाता है। दूसरी तरफ छत पे युनजी और पोचो लड़का है, यहाँ पे उस लड़के से युनजी को पता चलता है कि कल जो वो हरामी बुली लड़का जिसका नाम है गुई नाम, ये उनका जबरदस्ती वीडियोस सब लिया था, वो सब आज के 9 बजे वो वीडियोस को शेड्यूल करके रखा है क्लास के सब बच्चे को मोबाइल तक, वो ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगा, अगर ये उसको पैसे नहीं देगा तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो युनजी यहाँ पे फैसला करती है कि वो नीचे जाएगी, मतलब स्टाफ रूम जहाँ पे सबका मोबाइल है, सबका वो मोबाइल तोड़ देगी। यहाँ पे वो लड़का उसको रोकने का कोशिश करता है लेकिन युनजी उसका बात नहीं सुनती, तो वो लड़का भी उसके साथ नहीं जाता, वो अकेले ही रूफ पर रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो होना था वही होता है, बहुत सारे ज़ॉम्बीज युनजी के ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन युनजी भी यहाँ पे किसी तरह से, मतलब ज़ॉम्बीज उसको काट लिए हैं फिर भी वो ज़ॉम्बी बनने से पहले वहाँ पे जितने भी मोबाइल है उसको तोड़ रही है। दूसरी तरफ खिड़की के रास्ते बियरसू और चिंगसान ये दोनों आते हैं और ये लोग देखते हैं कि युनजी जहाँ पे जितने भी मोबाइल थे वो सब कुछ तोड़ रही है। तो यहाँ पे एक मोबाइल चिंगसान लाने का कोशिश करता है लेकिन ये बात युनजी देख लेती है, तो युनजी उसके ऊपर हमला करती है लेकिन तब तक वो ज़ॉम्बी नहीं बनी थी। तो ऐसे ही चियांगसान और बियरसू ये लोग अलग हो जाते हैं, बियरसू चियांगसान को बचाने का कोशिश करता है लेकिन चियांगसान यहाँ पे एक मोबाइल लेके उसको बोलता है कि इधर से भाग जाओ मैं और एक रास्ते से आ जाऊंगा, तो बियरसू ऐसा ही करता है, बियरसू खिड़की के रास्ते चला जाता है और यहाँ पे चियांगसू किसी तरह से इधर से बचते बचाते हुए बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे इधर से किसी तरह से भागता है वो। दूसरी तरफ वो बुली गुई नाम और प्रिंसिपल ये लोग साथ में ही थे एक कमरे में और यहाँ पे प्रिंसिपल गुई नाम को बोलता है कि जाओ जाके मेरा गाड़ी लेके आओ इधर से हम लोग भाग जाएंगे, जैसे कि वो बुल्ली उसका बात सुनेगा। और यहाँ पे बुल्ली के पास जो चाकू था वो उसके ऊपर हमला करना चालू कर देता है और इधर से ज़ॉम्बी से बचते बचाते हुए चियोंगसान इसी कमरे में घुसता है और यहाँ पे वो देखता है कि गुई नाम प्रिंसिपल को मारना चाहता है, तो सबसे पहले वो गुई नाम को समझाने का कोशिश करता है कि ऐसा मत करो और यहाँ पे उन लोगों का झगड़ा हो जाता है और चियोंगसान के पास जो मोबाइल था उससे वो गुई नाम प्रिंसिपल को मार रहा है, ये बात की रिकॉर्डिंग कर देता है और उसको बोलता है कि मैं पुलिस के पास जाऊंगा, मतलब अगर ये सब खत्म हुआ तो वो पुलिस के पास जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं अंजो के पिता यहाँ पे किस तरह से ज़ॉम्बी से फाइट कर रहे थे और उसके पार्टनर को वो बोलते हैं कि जल्द से जल्द ऊपर जाके ताला तोड़ो ताकि पॉलिटिशियन और 2-3 लोग जो जिंदा है वो लोग चॉपर से इधर से जा सके। और प्लान के मुताबिक सब कुछ होता है और अंजो के पिता भी ज़ॉम्बी से फाइट करते हुए रूप तक पहुंच जाते हैं और सबको इधर से निकलते हैं बिना इन्फेक्ट हुए। तो चियांगसून जो रिकॉर्डिंग किया था गुई नाम का तो वो मोबाइल लेके इधर से भागता है, ये देख के गुई नाम चियांगसून के पीछे पीछे भागता है और गुई नाम उसके हाथ में जो चाकू था वो चियांगसून की तरफ फेंकता है। यहाँ पे एपिसोड 4 खत्म होता है, चलते हैं एपिसोड 5 की तरफ और यहाँ पे हम देखते हैं चियांगसून के पीठ में वो छुरा लगा है लेकिन उसको ज्यादा चोट नहीं आई है और यहाँ पे वो भाग भाग के जाता है लाइब्रेरी की तरफ जहाँ पे कि 3-4 बच्चे अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। अभी यहाँ पे सीन कट होता है और यहाँ पे हम देखते हैं भाई बुआ डायरो वाली लड़की वो एक एक करके ज़ॉम्बीज को मार रही है और क्लासरूम में देख रहे हैं कि उसका भाई जिंदा है कि नहीं। ऐसे ही ये चारों नीचे के फ्लोर तक जा रहे हैं और यहाँ पे हम देखते हैं जिस शहर पे यानी कि ह्योसन शहर पे ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो गया है, यहाँ पे जितने भी रेफ्यूजी है ये लोग दूसरे शहर जाने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे दूसरे शहर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि छूने पे ये बीमारी फैलती है लाइक COVID-19 ये सब, मतलब नया बीमारी जो आएगा जो कोई भी देख के यही सोचेगा, एक तो यहाँ पे COVID-19 चल रहा है और ऊपर से ज़ॉम्बीज भी आ गए हैं, इसलिए ह्योसन शहर से जो कोई भी आ रहा है ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करके इन लोगों को रोक रहे हैं। और वापस हम देखते हैं कुछ लोग यहाँ पे प्रैंक कर रहे हैं और उसको यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं
रहे हैं, मतलब इस हालत में भी इन लोगों को प्रैंक सूझ रहा है, मतलब ज़ॉम्बीज बन के ये लोग आ रहे हैं और प्रैंक कर रहे हैं, कुछ व्यूज के लिए ये लोग प्रैंक कर रहे हैं। तो बाकी सब सोशल मीडिया में भी ये सब चल रहा है। सो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे डिसाइड करती है कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगाया जाएगा, जिसके तहत यहाँ से जो भी फेक न्यूज वगैरह सब जा रहा है वो सब बंद हो सके, इसीलिए ये लोग इंटरनेट और मोबाइल फोन की सेवा सब बंद कर देते हैं। तो जिनको हेल्प की जरूरत है वो लोग क्या करेंगे। अभी सिंसिप्टो के हम देखते हैं चोंगसान को, जो कि लाइब्रेरी में पहुंच चुका है। यहाँ पे उसके पीछे पीछे वो बुल्ली गुइनाम भी आ गया था और यहाँ पे उन लोगों का थोड़ा चेस चलता है और साथ ही साथ ज़ॉम्बीज भी उन लोगों को खाने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। यहाँ पे गुइनाम वो मोबाइल को तोड़ देना चाहता है क्योंकि मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर दिया था चोंगसान ने। यहाँ पे चोंगसान उसी मोबाइल को जोर से मारता है, गुइनाम की आंख पे जोर से मारता है, तो गुइनाम की एक आंख पूरी तरह से मतलब खत्म था और इसी बात का फायदा उठा के चोंगसान गुइनाम को पुश कर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं गुइनाम को बहुत सारे ज़ॉम्बीज खा गए थे, लेकिन मरते मरते भी गुइनाम यहाँ पे बोलता है कि चोंगसान को वो मार देगा। तो चोंगसान इस लाइब्रेरी से किसी तरह से भागता है। अभी चोंगसान के पास मोबाइल है लेकिन वो कुछ भी, इधर मार्शल लॉ लगा दिया गया है इसीलिए मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस सब कुछ डाउन है। यहाँ पे अभी उसके पास मोबाइल है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। इधर सिंजिप्टो के हम देखते हैं ऑनजो और वो जो जितने भी बच्चे वहाँ पे थे वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग ड्रोन की मदद से बाहर का नजारा देख के उसी हिसाब से प्लान करके इधर से भाग सकते हैं। इसीलिए ऑनजो और ये चश्मे वाला लड़का ये दोनों साथ में जाते हैं क्योंकि ड्रोन अभी तक बना नहीं है और उसके लिए भी कुछ साइंस लैब में कुछ पार्ट्स है, उसके लिए भी वो पार्ट्स लाना जरूरी है, ये सिर्फ और सिर्फ वो चश्मे वाला लड़का को ही पता है। ये दोनों साथ में जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं ये लोग सक्सेसफुली वहां से ले आते हैं, लेकिन वहां पे वही सब लैब रैट्स घूम रहे थे, इसी लैब रैट से तो सब कुछ स्टार्ट हुआ। तो हमें यहाँ पे कन्फर्म दिखाया नहीं जाता, एक लैब रैट उस लड़के के जूते के पास रहता है और उसको वो काटता है कि नहीं काटता वो अभी हमें दिखाया नहीं जाता। और ये लोग ड्रोन सक्सेसफुली वो साइंस लैब से नीचे के रूम तक ले आते हैं। सिंसिप्टो के हम देखते हैं डिटेक्टिव और साथ में जो सिक्योरिटी गार्ड था ये लोग भाग भाग के एक दुकान तक पहुंच गए थे और ज़ॉम्बीज पूरा वो दुकान को घेर लिए थे, इसलिए ये लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। इस दुकान में एक छोटी सी बच्ची थी तो इसको कैसे बचाए डिटेक्टिव इसके बारे में भी सोचता है। अभी सिंसिप्टो के हम देखते हैं ऑनजो और उनके ग्रुप जहाँ पे थे, तो चश्मे वाला लड़का यहाँ पे ड्रोन उड़ा रहा है और यहाँ पे ये लोग कैमरे के जरिए ये लोग चारों तरफ नजारा देख रहे हैं और चोंगसान किस कमरे में है वो सब कुछ देख रहे हैं। और आखिरकार ये लोग देख पाते हैं कि चोंगसान सेकंड फ्लोर में है और ये लोग थर्ड फ्लोर में है और साथ ही साथ ये लोग देख पाते हैं कि ज़ॉम्बीज को तीर मारा गया है। तो ये देख के बियर्सू बोलता है मेरी बहन भी एक एथलीट है और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि वो जो बुआ नैरो वाली लड़की है और छोटे भाई को ढूंढ रही है वो बियर्सू को एक्चुअली ढूंढ रही है। अभी ये लोग ड्रोन उड़ाते उड़ाते बाहर तक ले जाते हैं ताकि ये लोग मदद मांग सके। फिर वहाँ पे एक ट्रक दिखाया जाता है, तो वहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम होता है मिनजी। तो दरअसल उस ट्रक में मिनजी के माता पिता थे जो कि अभी ज़ॉम्बी बन चुकी है, तो उसको देख के वो बहुत इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं उस ड्रोन का बैटरी खत्म हो गया था और वो ड्रोन गिर जाता है और ये लोग मदद नहीं मांग सकते अभी। अभी सिंसिप्टो के हम देखते हैं हंजो के पिता और वो पॉलिटिशियन ये लोग को एक शेल्टर तक ले जाया गया था जहाँ पे और भी बहुत सारे सर्वाइवर थे और इन लोगों को यहाँ पे क्वारंटीन किया जा रहा था 3 दिन तक, एटलीस्ट 3 दिन तक। और यहाँ पे हंजो के पिता किसी तरह से इस जगह से निकल के अपने बेटी के स्कूल तक जाना चाहते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन वहाँ का जो इंचार्ज है वो बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले उनको टेस्ट करना पड़ेगा और क्वारंटीन रहेंगे ये 3 दिन, उसके बाद ही कुछ किया जा सकता है। अभी सिंसिप्टो के हम देखते हैं गुइनाम बबुली वो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना है बल्कि उसको अभी होश आ गया है। अभी सिंसिप्टो के हमें दिखाया जाता है मिस्टर ली जो कि बता रहे थे ये वायरस अलग अलग शरीर में अलग अलग तरह से अटैक करेगा जो कि हर वायरस करता ही है, लेकिन किसी किसी का बॉडी उसको पूरी उस वायरस को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेगा, जो कि वो अपने बेटे के लिए चाहते थे ऐसा हो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पे हम देख पाते हैं गुइनाम की बॉडी उस वायरस को अडॉप्ट कर चुका है, यानी कि एक नया ब्रीड बन चुका है इंसान प्लस ज़ॉम्बी। दूसरी तरफ हम देखते हैं इयोन जी जो लड़की खून तोड़ रही थी वो भी इस टाइप की बन चुकी है, मतलब इंसान प्लस ज़ॉम्बी। और पिछला एपिसोड में मैंने बताया था मिस्टर ली भी ज़ॉम्बी बन के थोड़ा ऐसे स्माइल कर रहे थे, तो वो किस टाइप का ज़ॉम्बी बने है पता नहीं, आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा। अभी गुइनाम को दिखाया जाता है जो कि अभी इंसान प्लस ज़ॉम्बी बन चुका है और वो ठान लेता है किसी भी करके चोंगसान को मार डालेगा। और यहाँ पे बाकी सारे ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे क्योंकि ये सोच रहे थे कि ये भी ज़ॉम्बी है क्योंकि उसके खून में भी ज़ॉम्बी का ब्लड ही है। यहाँ पे एपिसोड 5 खत्म होता है। तो इस वीडियो में अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं डेफिनेटली आगे वाला एपिसोड लाऊंगा जल्द से जल्द। तो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।